सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले दो ग्राफिक कार्ड का कंपैरिजन, जो ग्राफिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक है ग्राफिक्स कार्ड RTX 2080 Ti, जो अभी तक के सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है NVIDIA की तरफ से आने वाला, इसका कंपैरिजन अभी तक कोई नहीं आया। और एक है RTX 3070, जो बिल्कुल नया अब लॉन्च होने वाला है, 3000 सीरीज का नया ग्राफिक कार्ड NVIDIA का। तो गाइज, ये 3070 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट जो ये लॉन्च होने वाला है जल्दी सितंबर के वीक में, तो मैं सोचा इन दोनों कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि इनका प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। और अब 3000 सीरीज आ गए तो इनके प्राइस भी ड्रॉप होंगे, 2080 Ti आपको काफ़ी सस्ते मिलने लगेगा। तो गाइज देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या इनका कंपैरिजन है, और एंड में इसके बेंचमार्क भी हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस, हमारा पहला ग्राफिक कार्ड जो है वो हमारा RTX 2080 Ti है, जो अभी तक सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है जो अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये है ट्यूरिंग आर्किटेक्चर बेस्ड, जो पास्कल आर्किटेक्चर के बाद आया है, और ये आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। और इसमें आपको मेमोरी मिलती है वो 11 GB GDDR6 वाली, उसकी TDP है वो है 250 वाट्स, और इसको मिनिमम PSU चाहिए अगर आपको गेमिंग नहीं करनी, जैसे इसको ऑन करने के लिए 600 वाट का। और इसमें जो आउटपुट आपको मिलते हैं ऑप्शंस, वो है HDMI, 3 डिस्प्ले के पोर्ट और एक USB टाइप सी का भी। ये PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट करता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब नए मदरबोर्ड में सारे Gen 4 आने वाला है। तो क्या इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 1350 MHz, एंड जो इसकी बूस्ट क्लॉक है वो है 1545 MHz। और जो इसका सबसे बेस्ट वेरियंट आता है वो है ASUS ROG Matrix RTX 2080 Ti प्लेटिनम वर्जन, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो है 1800 MHz, जिसका सबसे ज़्यादा बेस्ट वेरियंट आता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। ये DirectX 12 को सपोर्ट करता है, और इसमें शेडर मॉडल है वो है 6.5। और आपको मैं बता दूं एक तरीके से, अगर आपको इसे पुराने ग्राफिक्स कार्ड से कंपेरिजन करना है, तो गाइस RTX 2080 Ti पुराना वाला 1080 Ti से 40% ज़्यादा पावरफुल है, जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि 1080 Ti भी काफ़ी गेमिंग के कैपेबल है। तो आप सोच सकते हैं RTX 2080 Ti की क्या पावर होगी, क्या ये गेमिंग कर सकता है, क्योंकि ये 20000 सीरीज का सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी डाली जाती है जो उस टाइम पे अवेलेबल होती है। और जो इसका प्राइस है वो है 1,19,000, जो भी आपको अमेजोन वगैरह मिल जाएगा। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको आराम से अमेजोन या लोकल मार्केट पर मिल जाएगा, क्योंकि इसको लॉन्च हुए 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो गाइस बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड जो हमारा वो हमारा RTX 3070, जो हमारा एम्पेयर आर्किटेक्चर बेस्ड है, जो बिल्कुल नया आर्किटेक्चर है NVIDIA की तरफ से आने वाला। ये ट्यूरिंग आर्किटेक्चर से भी अच्छा है, तो इसमें आपको जो मेमोरी मिलती है वो भी मिलती है 8 GB DDR6 वाली, और इसमें TDP मिलती है और 220 वाट्स, जो थोड़ी सी कम है RTX 2080 Ti से। और इसमें रिकमेंडेड PSU है वो है 650 वाट्स का, मतलब इतने का आपको चाहिए अगर आपको इसे रन करना है। और इसका रिलीज डेट है वो समवेयर इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में कहीं मिड में हो सकता है इसका रिलीज। और इस Gen 4 को भी सपोर्ट करता है, जो काफ़ी सही चीज़ है, 2080 Ti भी करता है और ये भी करता है। और जो इसकी बूस्ट क्लॉक है वो 1730 MHz, जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, RTX 2080 Ti से भी अच्छी है। और मैं इसकी पावर के बारे में आपको बताऊं, तो ये समवेयर अराउंड 30% मोर पावरफुल है RTX 2070 सुपर से। तो 2070 सुपर भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, आराम से आपको 2K की गेमिंग करा देगा, तो आप मान सकते हैं उससे भी 30% पावरफुल काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस है वो $449, जो अभी फाउंडर्स एडिशन के लिए आया है, बट अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इंडिया में थोड़ा बस प्राइस का बढ़ सकता है। तो गाइस बढ़ देते हैं अपने गेमिंग बेंचमार्क की तरफ, इसमें कैसे कैसे गेम्स चल सकते हैं, कौन सी सेटिंग्स पे, और कितना डिफरेंस इसमें FPS का आता है। तो गाइस शुरू करते हैं बेंचमार्किंग। तो गाइस फर्स्ट गेम ने जो PC में चलाया है वो हमारा Assassin's Creed Odyssey। तो Assassin's Creed Odyssey को हमने चलाया है 2K रिजोल्यूशन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे। तो 2080 Ti में मिले 66 लो एंड 85 का एवरेज, एंड जो 3070 उसमें मिले 98 वो लो FPS एंड 115 का एवरेज FPS। तो ये गेम आप आराम से पे खेल सकते हैं, कोई स्टटर वगैरह आएगा नहीं, बहुत ही मस्त लगता है गेम, क्योंकि इसे ग्राफिक बहुत ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट गेम में चला हुआ है Battlefield 5, जो काफ़ी ज़्यादा अभी भी गेम अच्छा है, ग्राफिक डिमांडिंग है। तो इसमें आपको जो 2080 Ti में लो मिले हैं वो है 70, और जो एवरेज आता है वो है 92, और 3070 में वही हमारा लो जाता है 95 एंड एवरेज आता है 125। तो देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे Battlefield 5 में। तो ये गेम आप आराम से खेल सकते हैं, इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें थोड़ा CPU डिमांडिंग भी है, तो आपके लिए CPU भी अच्छा चाहिए होगा। तो ऐसे ही गेम बहुत ही अच्छा है, इसकी स्टोरी लाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट गेम ने जो चलाया हुआ हमारा Hitman 2, ये 2020 वाला वर्जन है। इसमें हमें 2080 Ti में लो मिले हैं 59, और एवरेज FPS जाता है हमारे 75, एंड जो हमारे 3070 है उसमें मिले हमें 71 लो एंड एवरेज FPS मिले हुए 102। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छा है, इसकी स्टोरी लाइन वगैरह बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा इस गेम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये गेम भी काफ़ी ग्राफिक डिमांड। तो गाइस नेक्स्ट गेम ने चलाया हुआ है हमारा Far Cry 5 को भी हमने चलाया 2K रिजोल्यूशन पे अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे। तो 2080 Ti मिले हमें 65 एवरेज लो FPS, एंड एवरेज मिला हुआ हमें 82, एंड 3070 में हमें मिले 88 लो एंड 111 एवरेज FPS। तो गाइस ये गेम भी आप आराम से खेल सकते हैं, इस PC में कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ये गेम भी काफ़ी अच्छा है अभी के हिसाब से, और बिल्कुल मॉडर्न गेम है, तो आपको मज़ा आएगा खेलने में। तो गाइस बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस लास्ट गेम जो है हमारा वो है Witcher 3। तो Witcher 3 को मैंने चलाया
2K रिजल्ट्स में अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे तो 2080 Ti मिले हमें 58 का लो FPS एंड जो एवरेज जाता है वो 69 एंड वही 3070 में हम देखते हैं तो हमारा लो जाता है 79 एंड 83 एवरेज FPS। तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस नहीं बट ये गेम काफ़ी अच्छा है, आराम से इसे भी खेल सकते हो। तो गाइज ये थे इन दोनों ग्राफिक कार्ड का कंपेरिजन, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है सेकंड हैंड पार्ट्स लेने में तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे DM कर दीजिए, मैं आपको ट्राई करूंगा हेल्प करने की। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और घंटे के आइकन को जरूर दबा लेना वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइज़।